हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जाने वाली हैं मार्केट, इसलिए हम लोग अंदाज लगा रहे हैं सामान का, लेकर आना है हम लोग। नहीं, सिर्फ ये दोनों मार्केट जाना है। हाँ, तो हम मुझे तो पैसे भी नहीं लेके जा रही हो तुम लोग, तो तू भी चल पीछे गाड़ी पे लटक जाना। फिर सामान को बोल रही है जैसे, अरे सुनो सुनो, अगर इसको गाड़ी पे लटका लेंगे तो सामान कहाँ लटकाएंगे? लटकाएंगे इसको गाड़ी में, सामान आगे रख। नहीं, सामान को पीछे लटकाना, मुझे क्यों पीछे लटकाओगी? मतलब ये है कि जो सीट में थोड़ी जगह बचेगी ना पीछे साइड, उस पर तू बैठ जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पीछे लटक के जाने से अच्छा तो मैं जाऊंगी नहीं। गुड़िया को नहीं जाने से अच्छा है गुड़िया को जो जो काम बता के जा रही हूँ करके रख लेगी जब तक, पता है। हाँ सही है, ये भी सही है। चलो ठीक है, कर लेना। चलो अपन डिसाइड तो कर ही लेते हैं दीदी। हाँ प्रीत, तुम जल्दी से ये सारे कपड़े में डिसाइड करके बताओ मुझे, इसमें कितनी कितनी ड्रेस बन रही है, फिर उसके हिसाब से अपन लेस लेसेस डिसाइड कर ले। हाँ, मैंने डिसाइड करके रखी थी यार दीदी, अब तो मैं भूल भी गई हूँ। फिर से सोच लेते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा सामान हमने मिला लिया है, कौन सा सामान कितना लाना है और सब कुछ लिख भी लिया है। मैं बता देती हूँ, आप लोग याद रखना ठीक है। जी दीदी ने क्या मुझे लिखा है यार दीदी, वो सिर्फ मैंने ऐसा लिखा राइटिंग है। वैसे भी इनकी डॉक्टर वाली राइटिंग है, ये देख लीजिए। ये मैंने ऐसे लिखा है कि सिर्फ वो मुझे ही समझ में आएगा, किसी और को नहीं आएगा। डॉक्टर ने कोई सिर्फ समझ में आएगा और कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ तो क्या लिखा है इन्हें? जॉर्जेट। ये जॉर्जेट कहाँ से आ गई दीदी? तुमने कॉपी को ही पलट दिया है, पीछे साइड लिखा हुआ है। ये पीछे साइड इनका पता नहीं कौन सा साइड है, दिमाग ये अलग चलता है मेरा। अच्छा, ये गिट्टियाँ भी लिख ली, किस किस की लाना है। और ये लिख ली, एक तो डोरी लाना है सिल्वर पानी और गोल्डन कलर की, ठीक है। और लाना है ग्रीन, ये वाली लेस लाना है 4-5 बंडल। और फिर लेके आना है हमको, और क्या लेना है, इस टाइप की एक चौड़ी लेस लेकर आना है। ये भी हमारी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये बहुत सारी ड्रेसेस बनेंगी। और इसके बाद और क्या लाना पड़ेगा, इस टाइप की कंगूरे वाली लाना है, लेकिन अब लटकन भी लाना है 3 पैकेट। और लाना है क्या पूरे, और क्या लाना था यार? वो तो इसका सब कुछ लिखा है मैंने, तुम चलो। हमारी इनकी डॉक्टर वाली राइटिंग पढ़ के दिखाना मुझे। पतली गुड़िया गले के लिए चौड़ी लेस। अरे यार दीदी, पता नहीं कौन सी राइटिंग लिखती हो, मुझे तो लगा एक पतली गले की। अरे मैं क्या करूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझको लिखना नहीं आता है। अरे नहीं दीदी, तुमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया मुझे लगता है। तुम ही समझो ये सब मेरे दिमाग से, अपने तो सर के ऊपर से जा रहा है। क्या ओ दीदी, क्या हुआ? ये तो रहेगा ये जिसकी अपन को ड्रेस बनानी है, इसका अस्तर लेकर आएंगे। अरे यार, मैं तो ये बोलने वाली थी जल्दी चलो खाना खाएंगे, भूख लगने लगी थी। इसका भी थोड़ी सी चिंदी निकाल के देना, थोड़ी सी चिंदी। पूरे कपड़े ही ले जाओ, इसको क्या अस्तर लेके आएंगे? चिंदी विंदी मत ले जाओगे, चिंदी से पता नहीं चलेगा अच्छे से, पता नहीं कौन सा अस्तर। हाँ लाइट डार्क हो जाएगा, फिर भी वैसे बहुत लाइट कलर है तुमको। और कुछ भी लाना है क्या दीदी अपने लिए अलग से? गुड़िया इसको डिग्गी में बैठा के ले जाना वैसे। ये बन जाएगा डिग्गी में, गुड़िया तो बन नहीं पाता। पता है और कुछ सोच लो अपन के लिए, खुद के लिए तो कुछ नहीं लेके आना। नहीं अभी तो कुछ नहीं लाना है, अभी तो मार्केट से लेके आई थी अपन अपने सामान से, बैरगढ़ से भी लाई थी, मार्केट से भी लाई थी, अभी तो हमारा सब सामान है। कुछ रह जाता है दीदी? हाँ तो सोच लेंगे रास्ते में चलते चलते। फिर कलर कैसे मिलाएंगे? कलर मिलाने के लिए घर से ले जाना पड़ेगा ना दीदी। चलो ठीक है, अब खाना खाते खाते सोच लेंगे अपन लोग। हाँ फिर उठा के ले जाएंगे। चलो अब जल्दी से चलते हैं प्रीति, बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं तो फिर जाते जाते अगर अपन ने देर कर ली तो फिर रात को और कितनी देर हो जाएगी, लौटते लौटते और देर हो जाएगी। फ्रेंड्स खाना खा के एकदम से रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट। तो प्रीति तुम भी हो गई ना रेडी? प्रीति तो रेडी भी हो गई, और करके भी तैयार हो गई है। मैं भी जल्दी से फेस कवर कर लेती हूँ और फिर चलते हैं हम लोग मार्केट। पहले हम लोग बुटीक जाएंगे, इसके बाद मार्केट जाएंगे। फ्रेंड्स बुटीक पहुँच गए हैं, सारा सामान निकाल कर यहीं पर रख देंगे। और जो इधर से ले चलना है कैंची ले जाना है सबसे पहले, तो हार लगवाने के लिए कैंची ले जाना, बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि कैंची हार लगवाना भूल जाते हैं और बाकी सारा काम कर लेते हैं। हाँ तो बस ये वाले जो ऑर्गन का फैब्रिक मैंने रख लिए हैं, और बाकी जो चिंदियाँ हैं सभी की वो रख ली है, और जो डायरी दिख रही है ये डायरी भी रख ली है। चल चलते हैं दीदी, तो अभी तुरंत ही चले प्रीति। हाँ ठीक है, पानी की बोतल उठा लो और चलो चलो, है ना, क्योंकि फिर कस्टमर भी आने लगेंगे, शाम हो जाएगी तो, और फिर अपन लोगों को जल्दी भी लौट के आना है। हाँ चलो तो फिर चलते। सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग गिट्टियाँ लेने के लिए, पहले जाकर गिट्टियाँ मिलाएंगे फिर इसके बाद मार्केट जाएंगे। यहाँ से हमने जो जो कलर हमें मिले वो हमने सारे मिला लिए, बस एक दो ही गिट्टियाँ नहीं मिली, बाकी सारी गिट्टियाँ तो यहाँ से मिल गई थी हमें। गिट्टियाँ लेने के बाद सीधे हम पहुँच गए हैं चौक बाज़ार, तो चौक बाज़ार में जाएंगे और सबसे पहले लेकर आएंगे हम लोग सुई का पैकेट लेने के लिए। तो गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही थी इसीलिए मैं पैदल अंदर जा रही हूँ, यहीं से हम सुई का पैकेट लेकर आएंगे। यहीं से हम सारी मशीन वगैरह सही भी यहीं से करवाते हैं और सारा सामान भी मशीन का यहीं से लेते हैं। तो हमको सुई मिल गई है, सुई लेकर हम आ गए हैं। और यहाँ पर गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी झांकी लगी हुई है, गणेश जी बहुत सुंदर लग रहे हैं ये वाले। अब हम लोग चले गए हैं यहाँ से पन्नी का पैकेट लेने के लिए, तो पन्नी ले लेते हैं यहाँ से। ये है पन्नी की शॉप, यहाँ पर पन्नियाँ मिलती हैं। तो अभी उनके पास थी नहीं, तो हम लोग, मैं और प्रीति यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं पन्नी वाले भैया गोडाउन से पन्नी ले आए, जो जो पन्नी हमें चाहिए थी वही इनके पास यहाँ पर रखी हुई नहीं थी। यहाँ से हमने
पन्नियाँ ले ली हैं और पूरी हमने 5 किलो इकट्ठी ही ले ली, क्योंकि बार बार हम लोग आ नहीं पाते हैं लेने के लिए। पन्नियाँ लेकर यहाँ से निकल गए हैं और अब गए हैं हम लोग अगरबत्ती की शॉप पर। यहाँ से हमें लेना है धूप पत्ती, तो हमने यहाँ से धूप पत्ती ली। प्रीति मुझसे पूछ रही थी कौन सी वाली ले लेनी चाहिए, तो चंदन वाली ले या मोगरे वाली, तो मैंने कहा मोगरे वाली ले लो, चंदन वाली अपन पहले भी लेकर गए थे, तो हम लोगों ने ले ली। और इसके बाद हम लोग गए कैंची धार लगवाने के लिए, तो यहाँ पर हमें कैंची डालकर आना है। वो वैसे भी तुरंत नहीं देते हैं लगाकर, बाद में ही देते हैं, तो फिर हम कैंची पहले डाल के आ गए हैं। इसके बाद हम लोग राशन बाजार पहुँच गए हैं, यहाँ से हमें कुछ सामान लेना है, तो यहाँ से ले रहे हैं हम गुड़। प्रीति गई गुड़ लेने के लिए यहाँ पर, तो गुड़ लेकर आ गई वो। अब इसके बाद हम आ गए किराने की शॉप पर, यहाँ से हमने ली काली तिली। तो प्रीति इसको चेक करके देख रही थी कहीं ये घुनी हुई तो नहीं है, तो अच्छी थी तिली, तो हमने फिर ये ले ली और हम लोग यहाँ से भी निकल गए। अब हम पहुँच गए हैं मारवाड़ी रोड। यहाँ पर रोड कम और गड्ढे ज़्यादा हैं, तो गड्ढे ही गड्ढे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग भी अब धीरे धीरे से आराम आराम से पहुँच गए हैं। तो हमें यहाँ से लेना है कुछ कॉस्मेटिक सामान, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर एक प्यारे से गणेश जी की झांकी लगी हुई है। इस शॉप से हमें कुछ कुछ सामान लेना है, तो हम और प्रीति यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से लेने के बाद अब हम पहुँच गए हैं लेस की शॉप पर। ये आर के फैशन शॉप है, आप हमसे हर बार पूछते हैं, तो हमने आज आपको नाम भी बता दिया है। यहाँ से हम सारी लेसेस लेंगे, जो जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी वो हम यहाँ से ले लेंगे, और जो नहीं मिलेंगी वो दूसरी जगह से ले लेंगे। तो यहाँ से हमने लेसेस तो ले ली हैं। अब हम आ गए हैं ऊपर ऊपर, यहाँ से हमें कपड़ा लेना है, तो ये वाला फैब्रिक हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये हमने मम्मी के लिए ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से तो आ गए हैं, अब पहुँच गए हम ये दूसरी शॉप पर। इस शॉप से हमको देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। ये वाली लेस प्रीति को अच्छी लग रही, तो प्रीति ने बोला दीदी ये ले लूँ क्या, मैंने कहा प्रीति अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमने यहाँ से डोरियाँ भी ली, क्योंकि सारी लेसेस तो यहाँ पर नहीं मिल पाई थी, जितनी मिली वो ले ली हमने, और कुछ हमने यहाँ से डोरियाँ ली। वो सारी डोरियाँ लेने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पर, दूसरी शॉप पर चलते हैं, वहाँ से कुछ दूसरी लेसेस लेंगे जो हमारी रह गई हैं वो। अब हम आ गए हैं ये दूसरी शॉप पर, यहाँ से भी हमें कुछ लेसेस लेना है जो रह गई थी हमारी, वो सारी लेसेस हम यहाँ से ले लेंगे। एक दो और मिल गई हैं, कुछ कुछ नहीं मिल पाई हैं, तो चलो ठीक है, जितना भी मिल गया वही बहुत है। अब हम चलते हैं बुटीक वापस। यहाँ से हमें रास्ते में से कैंची भी धार लगवाने के लिए डाली थी, वो उठाकर लेकर जाना है, ध्यान से भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो भैया ने कैंची लगाई नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पर भी थोड़ी देर रुकना पड़ा। और जब से हमारा बुटीक है, जब से हम यहीं से कैंची धार लगवा रहे हैं, इसके अलावा हम कहीं और से लगवाते भी नहीं है, इसलिए हम हमेशा यहीं पर आते हैं। उन्होंने धार लगा कर दे दी है, अब एकदम से गर्म गर्म दी है, तो हाथ जल रहे थे। मैंने प्रीति से बोला देखो प्रीति बहुत गर्म है, आराम से रखना। फ्रेंड्स हम लोग बुटीक आ गए हैं, सारा सामान लगकर हमने यहीं पर रख लिया, और अब इतने ज्यादा थक गए हैं कि अब तो बिल्कुल बस की नहीं हो रही कि घर भी चले जाए। यहाँ पर रख लिया हमने कुछ सामान, कुछ यहाँ रख दिया, कुछ यहाँ रख दिया, अभी पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर सारा सामान पैक करके रख लिया है हमने, और एक पॉलिथीन ये बना ली है, और बाकी सारा सामान पूरी डिग्गी में रख रही है। बाकी सारा सामान लेकर अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, और थोड़ी देर बैठ के हमने आराम भी कर लिया, और अब आराम से चलते हैं हम लोग घर। फ्रेंड घर पहुंच चुके हैं, और अब धो लेते हैं मुँह हाथ, फिर बात करेंगे, फिर ही रिलैक्स करेंगे, क्योंकि बताएं बहुत देर से घूमते घूमते पूरे इतनी धूल हो रही मार्केट में, मार्केट में धूल भी बहुत ज्यादा हो रही है, और भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि गणपति बाबा बैठे हुए हैं, तो सारे रास्ते भरे हुए होते हैं, सारे रास्ते बंद भी है, और बहुत सारे रास्ते उसमें से, इसलिए ट्रैफिक बहुत हो रहा है। और आज तो सबने पहाड़ दी थी नहीं, तो कहीं आज, हाँ, तो इसलिए आज और ट्रैफिक ज्यादा था। चलो अभी चलते हैं, हाथों कर आते हैं। हाँ, और सामान वामान तो यहाँ पर ला के रख दिया है, और एक पॉलिथीन और थी ना दीदी, बड़ी वाली। फ्रेंड्स मुँह हाथ धोकर एकदम फ्रेश हो गए हैं, खाना भी खा लिया है हम लोगों ने, और अभी चलते हैं ये सारा सामान खोलकर दिखा देते हैं आपको। हाँ, कि हाँ लेसेस कैसे लेकर आए हम लोग, और लटकन भी लेकर आए हम लोग, और बहुत सारा सामान लेकर आए, सामान लेकर आए, उसने भी कुछ कुछ सामान मंगवाया वो भी लेकर आए, जैसे कि ये रखा हुआ है इस पॉलिथीन में, जो हमने कुछ एक्सचेंज मैक्सचेंज कर लिए है। पर दीदी आप खोल के दिखाओ ये वाला, जैसे कि ये काली तिली पीयूष ने पूजा के लिए मंगाई है, और इसमें है धूप बत्ती, ये भी पीयूष ने पूजा के लिए मंगवाई है, और इसमें है पीयूष का फेवरेट गुड़, क्योंकि ये तो वही खाएगा, पूजा का सामान तो हम लोग सभी यूज करेंगे। भाई देखो आपका मटेरियल आ चुका है, जो आपने मंगवाया था, बस इसमें पता है हमको एक चीज नहीं मिली, जो नहीं मिल तो रही थी, हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन अच्छा, और उनके पास जो थी ना वो थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही थी, अपने पास है ना, अभी हमने कहा ठीक है चलो फिर नेक्स्ट वीक तक जब जाएंगे तो ले आएंगे। हाँ। ये तो ले आए हम, देखो। हाँ। और तिली हमें ना अच्छी वाली क्वालिटी की लेकर आए, मोटी वाली। अच्छा, मुझे याद आया था दीदी रास्ते में आते आते, पर फिर मैंने कहा अभी तक तो शॉप बंद हो गई उनके,
फ्रेंड्स यही होता है क्योंकि अगर एक बार जो सामान लेने चाहते हैं अगर वही मिल जाए तो ठीक है, अगर दूसरी दुकान के लिए अपन सोचते हैं कि अपन दूसरी जगह देख लेंगे तो इतना सारा काम रहता है। वैसे हम इतना दिन लगा देते हैं जाने में, कितना सामान इकट्ठा हो जाता है तब जा पाते हैं लेने के लिए, फिर बाकी आधा सामान लाना भूल ही जाते हैं। आधा सामान भूलते नहीं, बस रह जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। पता है दीदी शॉप बंद भी हो गई होगी इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है अब नेक्स्ट वीक देख लेंगे, कभी आएंगे तब देखें। और फ्रेंड्स पूरे में ना अभी फैलारा हो रहा था, अभी समय टाइम ने कुछ कुछ अब थोड़ी सी जगह कर रहा है हम आपको सामान दिखाने के लिए ना दीदी। हाँ और थोड़ा साफ भी कर ली, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा भी हो रहा है। हाँ क्योंकि शाइनिंग शाइनिंग बहुत निकल जाती है ना लैसेस में से, ये देखिए कितना चमचमा रहा है फर्श हमारा। तो दीदी आप ब्लू कलर की पन्नी खोलो और मैं ब्लैक कलर की खोलती हूँ, देखती हूँ किसके ज्यादा अच्छा सामान निकलता है। देखो सबसे काम की चीज होता है ना गुड़िया, जो हम काम करने गए थे इसका हमने सोचा था दुपट्टा कलर करवा लेंगे, वो नहीं हो पाया है क्योंकि हम ये जा ही नहीं पाए डाई वाले के पास। ये काम की चीज नहीं दीदी, ये प्लान फ्लॉप है। पर ये देखो सक्सेसफुल है, ये असल लाना था हम ले आए हैं। हाँ इसके अंदर तो पॉलिथिन के अंदर पॉलिथिन निकल रही है, इस वाले का था वो ना तो हमने इसका ले लिया। देखो एक व्हाइट निकल गई, एक ये ग्रीन निकल गई है, एक ब्लैक के अंदर एक और ब्लैक निकल गई, मतलब इसमें टोटली पॉलीथिन ही पॉलीथिन है। ये सारी अलग अलग शॉप का सामान ही गुड़िया। और बताओ कितना सारा सामान जो बुटीक का था ना वो तो हम बुटीक में ही छोड़ के आ गए, वो नहीं लेके आए हम, इतना सारा यहाँ पर क्यों लाते। हाँ और देखो मम्मी हम आपके लिए ये वाला फैब्रिक लेकर आए, आपको ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट आप बहुत दिन से बोल रहे थे ना ले आना, देखो कैसा लग रहा है। तो ये है कुछ इस टाइप का डिजाइन है इसका प्रिंट, और ये कॉटन फैब्रिक है। हाँ। और इसमें है ये सारा सामान जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही काम का है, क्योंकि आज दिन भर सिर्फ मैंने ही काम नहीं किया है तो इसलिए मैं अपना सारा सामान कैचियां जो हमने तार लगवाएंगे दीदी यहीं पे ले आएंगे पैक करके। मैं तो सोच रही थी इतनी बड़ी पॉलीथिन भर के इतना सारा सामान लेके आई हूँ, लेके भी क्या आई, बुटीक के कट करने के कपड़े। हाँ क्योंकि फ्रेंड्स आज मैंने दिन भर से कोई भी कपड़े कटिंग नहीं की, तो आज की जो डेट के कपड़े हैं वो कहाँ जाएंगे, आज का दिन तो पूरा ही चला गया है, कपड़े तो कटिंग करने ही पड़ेंगे। तो इसमें है तीन सूट और इसमें है जिम दिया, इसमें है दो सूट और ये सारे सूट। हाँ। जो मुझे आज कटिंग करना है वो मैं अभी रात को कटिंग करके ही सोऊं। हाँ और ये जो सारे कपड़े हैं ना ये हम बुटीक ले गए थे रेडी करवाने के लिए, तो ये रेडी हो गए हैं तो इनको साइड में रख दो। मतलब कि जो पॉलीथिन मैंने खोली थी वो काम की है और ये वाली जो है ना वो काम हो चुका है बुढ़िया ना, ये काम की है मतलब आप काम में आएगी, ये काम हो चुका है। चलो तो ये वाली देखते हैं, इसमें से एक ये वाला लेस का बंडल है। लो मम्मी एक आप लेस की शॉप पे दीदी ये भी मिलने लगा। नहीं वाली जो पॉलीथिन ना उसमें हल्का हल्का सामान था, हमने कहा ये कहीं गिर नहीं जाए इसलिए, और उसमें से फैल जाता फिर, इसलिए हमने इसको अलग रख लिया था। एक ये वाली लेस है एंड डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन ये पिछले बार से थोड़ी चौड़ी लग रही है दीदी, तो ये थोड़ी महंगी भी है गुड़िया। हाँ नहीं ये वो भी अच्छी थी ये भी अच्छी। अच्छा वो दीदी डोरी लिया है क्योंकि इतने सारे कपड़े हम बनाते जा रहे थे लेकिन डोरियां किसी में भी नहीं लग रही थी, तो अधूरा अधूरा काम था। हाँ तो डोरियां ये कलर यहाँ बुटीक के आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा था, हमें पता मैं कितनी सारी शॉप पे गई थी देखने के लिए, थोड़ा सा कलर है ना इसलिए गोल्डन है, ऐसा वाला गोल्डन मिलता ये वाला, और गोल्डन भी और चाहिए थे लेकिन बस एक ही मिला, लाइट गोल्डन है ना ये, और देखो इससे मैच कर रहा है बिल्कुल। और ये भी ना उनके पास नहीं था, ये हमारी दीदी ने बताया उधर पे ऐसे बंडल रखे होते हैं उसने पीछे से निकाला था मैंने। हाँ, और एक ही निकाल लिया, उस लड़के ने तो मना ही कर दिया था जो मतलब मैंने से बोला थी मैंने भैया ये कहाँ से मिल गया आप तो बोल रहे हैं नहीं तो नहीं ये नहीं बोला दीदी आप ही दुकान पे हमारे को काम करने लगो क्योंकि हमें तो सामान मिलता नहीं आपको जल्दी मिल जाता है, जरूर बोल रहे थे कि दीदी से पूछ लो रेट उनको पता है। हाँ यही बोल रहा था सच में बोलिए, और क्या छोटी छोटी लड़की है ज्यादा बड़े नहीं है तो बोल रहा था वो दीदी को पता है पिछली बार रेट सब याद रहते हैं। तो ना जो जो मतलब लेसेस क्योंकि वैसे ही बुटीक के लिए मैं हमेशा लेके ही आती हूँ, तो जो जो दीदी पूछ रही थी इसका क्या रेट है इसका क्या रेट है, तो सबके मैंने बता दिया इसका ये है इसका ये है, ये सुंदर सी देखो दुपट्टे के लिए है। हाँ दुपट्टे के पीछे से दिखाओ यार प्लीज, पीछे से अच्छी समझ में आएगा। हाँ ये देखो अच्छी है, एक ये भी दुपट्टे के लिए होगी ना, ये कुर्तों के लिए है। हाँ कुर्तों में भी अच्छी लगेगी, इसमें देखती हूँ इस वाली पॉलीथिन में क्या है। और दुपट्टों के लिए ये वाले दो पतली पतली लेस ले दीदी एक की भी तो। हाँ पर दो मतलब एक स्टॉप पे मिल गए थे और ये वाले जो अच्छा, है ना एक अलग स्टॉप से लिया है हमने, सारी चेन है। हाँ जितनी भी जिप चाहिए थी मैं सब ढूंढ के लेकर आए, मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आए, पर गुड़िया हम सारी मिल गई दीदी। हाँ अब तो सारी मिल गई, जुगाड़ जुगाड़ करके लाए फिर भी हम, क्योंकि जितने भी सारे कपड़े बनने हैं उनमें साइड में जिप लगना है ना इसलिए। और ये कुछ हाँ और ये वाली जो है ना ये नेक की लैशेस है, नेक में लगानी है पतली। हाँ अच्छी लगेंगी ये भी, और ये वाला डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है दीदी, वो भी अच्छा है। और ये दोनों भी नेक, ये सारे डिजाइन पता है तुझे मैंने पसंद किए हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज्यादा तेज थक गई थी तो बैठ गई। अरे पता है बुढ़े इतना थक जाते हैं यार गाड़ी चलाने में, इतना ट्रैफिक हो रहा है सब में, गणपति बाबा जी बैठे हैं ना तो सब में तो वो तो बैठे हैं ना कहीं चल के तो नहीं जा रहा है, इतना ट्रैफिक हो रहा है तो बैठ गए बीच में आके रास्ते में रास्ते में नहीं, बाकी जो चलने वाले लोग हैं ना वो
लाइन में लग गए हैं। वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। हाँ तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं सारा सामान जैसे हम लोग सब गए तू खोलो तू ही देखती जाए। हाँ हम तो वैसे देख के ही लेकर आए, हम तो वही तो दिखा रहे थे। ये देखो ये लटकन से वाले लटकन है दीदी। कौन सा जो भी है हमें तो अच्छे लग रहे थे। आंगूर लटकन ये देखो, इससे ना ये वाले ना इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। दो दो तेरी ये लास्ट से दो दो। हाँ अरे तेरे लिए बहुत सारी जरूरत पड़ती है इसलिए हमने इकट्ठे ला के रख लिए। मेरे लिए हाँ। हाँ, मेरे कपड़ों में भी इतनी ज्यादा डलती भी नहीं। और ये वाले जो लटकन है ना इस वाली लेस से मैच करके लेके आए। देखो सही लगेगी ना दीदी। सही नहीं लग रहा, सेम टू सेम छपे छपाए मैच करते हुए हैं वो। एक डिजाइन ये वाला है, ये भी सुंदर लग रहे थे। छोटे छोटे सिंपल सी ड्रेस में लगाएंगे, सुंदर लग रहा है इसीलिए तुम दोनों लेके आई हो, नहीं तो नहीं लेके आती। और इतनी सारी गिट्टियां और वो भी इतने बड़े बड़े बंडल, गिट्टियों की कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ सारा सामान हो गया है और कुछ तो नहीं बच गया। ये क्या है तुमने? ये जो लेस है ना गुड़िया इस वाले फैब्रिक के साथ मैच करके लेके आया। दीदी ये अच्छे से मैच कर रहे हैं इससे ना। पर बताए गुड़ी हम क्या सोच रहे थे, वो बड़े वाली दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि बता ये वाली लेस अपन वैसे कुछ घेर वाला बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो घेर पे लगाएंगे तो ये बहुत छोटी नहीं है जैसे स्लीव्स पे और नेक पे तो अच्छी लगेगी, दुपट्टे पे भी तो अच्छी लगेगी ना। हाँ दुपट्टे पे भी अच्छी लगेगी, बस इतनी जगह पे लगा लेना घेर पे लगा लेना। पता है हमने वो बड़े वाली पॉम पॉम वाली जो लेस होती है ना लटकते हैं जिसमें वो वाली ढूंढी थी लेकिन इसका कलर भी नहीं मिला ये वाला, तो हमने कहा ये छोटी वाली ले लेते हैं। हमने कहा ये तो ले लेते हैं लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसी आ रहा अपने बुटीक में रख देंगे बिक जाएगी। और क्या इतनी अच्छी लग रहा है। और मम्मी ये गाउन का कपड़ा कैसा लग रहा है गुड़िया? ये भी अच्छा लग रहा है ना। और ये सारे मतलब लेसेस उन वो जो फैब्रिक नहीं पता है क्या है ना, मम्मी को ऐसा चाहिए भी था ब्लैक और व्हाइट हो। एक पहले लेके आई थी ना वो पिंक कलर का था लेकिन तब भी मम्मी को ब्लैक और व्हाइट चाहिए था, ब्लैक व्हाइट नहीं मिला था उनका, अब दिख गए हमें तो अब ले चलते हैं। तो गुड़िया और जो विदेश वाला अपना ऑर्डर है उसका ये वाला जो सारा सामान लेस मटेरियल जो फाइनल लाना था वो भी ले आया अपन, तो मैं ये कैसा लग रहा है ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये भी। और पता है गुड़िया ये वाली लेस ना, ये वाली लेस और मुझे ये वाली लेस बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ, ये काफी ये तो हम ले भी नहीं रहे थे, ये तो प्रीति ने जबरदस्ती नहीं करी, लटकने वाली ले लो कंगोरे वाली ले लो कंगोरे वाली नहीं, उन्होंने पता है दीदी का ऑर्डर है ना उन्होंने मुझे इस टाइप की भेजी थी किसी की पिक्चर तो मुझे याद आ गई कि उन्होंने ऐसी अच्छी। और ये भी पता है हमने बाद में बिल बनवाने की बात रखी, ये भी बोली थी एकदम दिख गई थी, ये तो जरूर ले लो तुम दीदी। पर ये कितनी सुंदर लग रहे हैं दोनों को कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो लटकन भी बढ़िया मैच हो गया है इसके साथ। हाँ प्रीति सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, अपन लोग बहुत अच्छे से सारा सामान ले आए, खुद की तारीफ कर रहे हैं देखो तो। हाँ अरे पता है गुड़ी इतनी मेहनत लगती है मार्केट जाने में जाके तो देखो। हाँ दीदी मैं तो कभी जिंदगी में मार्केट ही नहीं आई हूँ सामान ढूंढने में, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एक दुकान पे कोई सामान नहीं आता है। मैच करना है ना किसी चीज में, आप लेस मैच करके लेके आनी पड़ी फैब्रिक से कि उससे अच्छे से मैच हो, फिर लटकन भी सेम मैचिंग चाहिए। देखो सेम मैचिंग हम ढूंढ के भी लाए बुढ़िया। हाँ देखो वो सेम है ना, थोड़े से इतने से भी अलग तो नहीं दिख रहा है। फिर हमने गिट्टियां भी मैच करके ली, कितना टाइम तो इनको मैच करने में लग गया। फिर हमने मैच करके और कोई सी कहीं पे कोई कहीं पे कोई कहीं पे, और पता नहीं कम से कम 25 दुकान घूम कर आए होंगे ना दीदी। दुकान इतना तो हो ही गया, कब से तो गई थी सुबह से फ्रेंड्स। अब आपको हमने सारा मटेरियल तो दिखा दिया है, अब नेक्स्ट जब हम इसका काम ये वाला ऑर्डर का काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट हो चुका है और आगे जब कंटिन्यू करेंगे अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।